मॉर्निंग स्टूडेंट्स, संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। देखो, अपना टॉपिक चल रहा था प्रजातियों से संबंधित, तो इसमें प्रजातियों का अपना वर्गीकरण अपन ने पढ़ लिया था। वर्नियर के अनुसार पृथ्वी के ऊपर आपकी लगभग 3 प्रजातियां हैं वो देखने को मिलती हैं, जिसमें आपकी मंगोलाइड, कॉकेशियन और निग्रोइड, ये मुख्य 3 प्रजातियां हैं पृथ्वी के ऊपर, संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर मिलती हैं। उसके बाद आपका 1684 के अंदर आपका वर्नियर महोदय ने प्रजातियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इन्होंने 5 प्रकार के मानव के बारे में चर्चा की, जिसमें एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और लैप्स जो मानव प्रजातियां हैं उनके बारे में इन्होंने चर्चा करी। यूरोपी इसके अंदर शामिल किया गया। उसके बाद अगर चर्चा करते हैं तो आपका आता है हक्सले महोदय। हक्सले महोदय ने भी क्या है आपकी मानव प्रजातियों के बारे में बताया कि आपकी मानव की प्रजातियां हैं वो मुख्यतः 5 प्रकार से या 5 प्रकार की होती हैं या बांटा गया प्रजातियों को। इन्होंने भी क्या है, देखो अलग अलग जो राइटर हैं, अलग अलग जो विद्वान हैं जिन्होंने अपना प्रजातियों से संबंधित क्या है वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, उसमें उन्होंने प्रजातियों का आधार बनाया। जैसे मान लो वर्नियर महोदय हैं, उन्होंने क्या है त्वचा के आधार पे क्या है प्रजातियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो इस तरीके से क्या है, क्रोबर है, उन्होंने भी क्या है प्रजातियों को 5 हिस्सों के अंदर बांटा गया। उसके बाद अगर चर्चा करते हैं तो लास्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि ग्रिफिथ टेलर का जो वर्गीकरण है प्रजातियों से संबंधित, उन्होंने भी क्या है प्रजातियों के लिए वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। तो बात कर लेते हैं, आज का टॉपिक है टेलर का प्रजातीय वर्गीकरण। टेलर का प्रजातीय वर्गीकरण, देखो इन्होंने भी जिस तरीके से आपका वर्नियर है, क्रोबर है, हक्सले है, इन्होंने क्या है वर्गीकरण प्रस्तुत किया, वैसे ही ग्रिफिथ टेलर ने भी क्या है अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया। किससे संबंधित, प्रजातियों से संबंधित। 1919 के अंदर इन्होंने क्या है जलवायु चक्र और मानव प्रवास से संबंधित क्या है, पहला जो रीजन है इन्होंने क्या है जलवायु चक्र को माना, और उस जलवायु चक्र के आधार पे जिस तरीके से क्या होता है मानव क्या कर जाता है प्रवास कर जाता है अपना विकास करने के लिए। जैसे मैंने उदाहरण दिया आपको कि हिमालय पर्वतीय प्रदेशों में या आपके पर्वतीय प्रदेशों के अंदर जब शीत ऋतु आती है तो बर्फ है वो जम जाती है, जिसके कारण बहुत सारी जो प्रजातियां हैं वो क्या है अपने अपना जो निवास स्थल है कुछ समय के लिए क्या है छोड़कर निचले स्थानों पर आ जाते हैं, या कह सकते हैं कि घाटी वाले क्षेत्र के अंदर आ जाते हैं, जिसके कारण जैसे ही क्या है जलवायु चक्र वापस परिवर्तित होता है तो वो क्या है वापस अपने स्थान पर लौट जाते हैं। तो आपका अपना जो विकास है मानव जाति के विकास के कारण क्या कर जाती है प्रवास कर जाती है, या कह सकते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या है आपका चली जाती है। तो टेलर ने क्या है विकास सिद्धांत को भी इसका कारण माना, पहला तो जलवायु चक्र और दूसरा क्या है विकास के लिए, मानव प्रजाति के विकास के लिए इन्होंने क्या माना आपका प्रवास सिद्धांत को भी माना। और प्रवास सिद्धांत के आधार पे इन्होंने क्या है 5 प्रजातियां हैं मानव की बताई। इस मानव 5 प्रजातियों के अंदर इन्होंने क्या माना मान जैसे निग्रो, निग्रेटो और ऑस्ट्रेलियाई भूमध्य सागरीय और मंगोलियन, ये प्रजातियां हैं इन्होंने क्या है मानव प्रजातियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। लेकिन इन्होंने क्या है मानव प्रजाति की उत्पत्ति है वो किससे मानी, मध्य एशिया से, और मध्य एशिया से ही क्या है संपूर्ण आपका महाहिम युग जब
महाहिम युग की जब उत्पत्ति हुई, जो एशिया में महाहिम युग के पूर्व ही क्या है, सारी जो जातियां हैं वो सभी जो जातियां हैं, प्रजातियां हैं, वो संपूर्ण महाद्वीप के अंदर फैल गई, महाद्वीपों में। बाकी जो बचे हैं जितने, जैसे एशिया को छोड़कर आपका अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, तो इन जो महाद्वीप है इनके अंदर भी क्या है, जो आपकी जितनी प्रजातियां बताई थी वो क्या है, फैलने लग गई या एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली गई। किसके कारण? आपका जलवायु चक्र, या मैंने आपको बताया है कि जलवायु चक्र के साथ साथ मानव ने क्या कर लिया, प्रवास कर लिया, एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाने लग गए। तो इसी आधार पे क्या है, आगे अगर बात करते हैं मानव की, तो मानव ने क्या है, जलवायु में परिवर्तन के साथ साथ मानव जातियों के अंदर क्या है, भौतिक परिवर्तन भी देखने को मिले, कि जिस तरीके से जलवायु का परिवर्तन, जलवायु चक्र व प्रवास सिद्धांत को माना, प्रवास सिद्धांत को माना, वैसे ही क्या है आपके भौतिक लक्षण, भौतिक लक्षण या कह सकते हैं कि भौतिक विभिन्नताएं या भौतिक विभिन्नताएं ताएं भी क्या है, मानव प्रजाति के लिए क्या हो गई आपकी, मानव प्रजातियां भी क्या है, भौतिक लक्षण भी मानव प्रजाति को विभिन्न रूपों के अंदर उत्पन्न करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाई, जिसमें आपकी बालों की बनावट, टेलर ने क्या कहा, बालों की बनावट व खोपड़ी सूचकांक, खोपड़ी सूचकांक दोनों ही क्या है, भौतिक लक्षणों में विभिन्नता को क्या है, प्रदर्शित करते हैं। यानी कि इन्होंने अपने सिद्धांत के अंदर माना एक तो जलवायु चक्र, प्रवास सिद्धांत और भौतिक लक्षण, इन सब की वजह से क्या है, मानव प्रजातियों के अंदर विभिन्नताएं हैं वो देखने को मिलती हैं। इसके साथ क्या है, उन्होंने अपना आधार माना बालों की बनावट, भौतिक कारणों के अंदर और खोपड़ी सूचकांक। इस आधार पे इन्होंने क्या है, प्रजातियों के वर्गीकरण को क्या है, आधार मानते हुए प्रजातियों का वर्गीकरण दिया, और वर्गीकरण के अंदर क्या है, 7 प्रजातियां हैं वो बताई। 7 प्रजातियों की अगर अपन चर्चा करते हैं तो 7 प्रजातियों के अंदर पहली आपकी आती है निग्रिटो, पहली है निग्रिटो, निग्रिटो, दूसरी है निग्रो, तीसरी है ऑस्ट्रेलाइड, चौथी है आपकी मंगोलाइड, पांचवी है आपकी भूमध्य सागरीय, छठी है आपकी भूमध्य सागरीय और छठी है नार्डिक, और 7वीं है अल्पाइन। इस तरीके से क्या है, इन्होंने प्रजातियों के बारे में बताया कि मानव की प्रजातियां हैं भौतिक लक्षणों के आधार पे, भौतिक लक्षणों में जिसमें आपकी बालों की बनावट और खोपड़ी सूचकांक को आधार मानते हुए इन्होंने प्रजातियों को 7 भागों के अंदर विभाजित किया। इसके अंदर बहुत इनकी विशेषता अगर देखी जाए तो बहुत पतले सिर वाली प्रजाति और पतले सिर वाली प्रजाति, निग्रो प्रजाति के अगर बात करते हैं तो बहुत लंबे सिर वाली प्रजाति, और ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की अगर बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलाइड में लंबा सिर,
लंबा सिर और भूमध्य सागर में मध्यम सिर, सॉरी भूमध्य सागर ही ये, भूमध्य सागर के अंदर मध्यम सिर, मध्यम सिर वाली प्रजाति। और मंगोलाइड की अगर बात करते हैं तो बहुत चौड़ा सिर, चौड़ा सिर, बहुत चौड़ा सिर और नार्डिक के अंदर, और उसके बाद आपका आता है अल्पाइन, मध्यम सिर और चौड़ा सिर, मध्यम सिर व चौड़ा सिर। ये क्या है प्रजातियों की, सिर के आधार पे आपकी विशेषता है वो बताई गई कि इस आधार पे क्या है आपकी। जो प्रजातियां बताई थी टेलर महोदय ने, उन्होंने प्रजातियों की विशेषता के रूप में इन्होंने बताया कि निग्रो प्रजाति के अंदर बहुत पतले सिर वाली प्रजातियां देखने को मिलती है, निग्रो प्रजाति में बहुत लंबा सिर पाया जाता है, ऑस्ट्रेलाइड में लंबा सिर होता है, मंगोलाइड में बहुत चौड़ा होता है, भूमध्य सागर के अंदर मध्यम सिर है वो देखने को मिलता है, और नार्डिक के अंदर भी क्या है आपका मध्यम सिर है वो देखने को मिलता है। लास्ट है आपकी अल्पाइन, अल्पाइन में आपका चौड़ा सिर वाली प्रजातियां हैं वो देखने को मिलती हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। उसके बाद बात करते हैं अपन सबसे पहले निग्रिटो प्रजाति। निग्रिटो प्रजाति की विशेषता अगर देखते हैं तो ये प्रजाति है लाल चॉकलेटी और आपकी काला कत्थई कलर के प्रजाति है। इनके शरीर की अगर बात करते हैं लंबाई की तो लगभग ये नाटे और 5 फीट के होते हैं। इनके होंठ मोटे, नाक चौड़ी चपटी होती है, और उसी के साथ साथ अगर इनके बालों की बात करते हैं तो बाल चपटे और फीते के समान घने होते हैं, और उसी के साथ साथ इनकी आपके जो स्थल है कि कौन कौन से जगह पे ये प्रजातियां पाई जाती है निग्रो प्रजाति, तो श्रीलंका, मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, लुनोज आदि क्षेत्रों के अंदर ये देखने को मिलते हैं। तो बात कर लेते हैं निग्रिटो प्रजाति की। सबसे पहले निग्रिटो प्रजाति, रंग काला, चॉकलेटी, कत्थई रंग पाया जाता है, बाल सीधे चपटे, चपटे बाल सीधे चपटे, और उसी के साथ साथ इनके घने होते हैं। उसके बाद अगर बात करें इनके कलर बाल, और उसके बाद आपका आता है लंबाई या कद, नाटे होते हैं 5 फीट, 5 फीट के लगभग लगभग होते हैं। स्थान श्रीलंका, श्रीलंका, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया,
सूचकांक की अगर बात करते हैं तो लगभग इसमें लोनोज के साथ साथ निग्रिटो प्रजाति की अगर चर्चा करें तो इनके अंदर नाटे लोग हैं वो अधिक देखने को मिलते हैं। न्यू गिनी की पहाड़ी क्षेत्र में भी ये देखे जाते हैं। न्यू गिनी के पहाड़ी क्षेत्र के पहाड़ी क्षेत्रों में मिलते हैं, तो ये क्या है, इनकी विशेषताएं हैं वो देखने को मिलती है। उसके बाद अगर चर्चा करें आपकी निग्रो प्रजाति की, तो निग्रो प्रजाति का सिर है लंबा होता है और अनुपात आपका 70 से 72 होता है, और बालों की बनावट अगर देखी जाए तो घुंघराले बाल होते हैं, बाल लंबे अंडाकार और घुंघराले बाल होते हैं। आपकी जो त्वचा होती है इनकी, तो ये भूरे से हल्का काला, लाल और काजल के समान देखने को मिलते हैं। और इनकी विशेषता है अगर देखी जाए तो इनके विशेषता के रूप में जबड़े हैं वो बाहर निकले हुए होते हैं, नाक चपटी होती है। लगभग ये क्या है, पश्चिमी अफ्रीका में सूडान, गिनी तट, न्यू गिनी के अंदर ये देखने को मिलते हैं, और पहले अगर देखा जाए तो ये दक्षिणी यूरोप, एशिया के अंदर भी मिलते हैं। तो दूसरी प्रजाति है आपकी निग्रो, निग्रो प्रजाति। निग्रो प्रजाति के अंदर इनके रंग की अगर बात करें, पहला रंग, तो इनका रंग क्या है, काजल के समान काला, लाल व कथई होता है। बाल हैं वो कैसे पाए जाते हैं, घुंघराले, घने और इसी के साथ साथ इनके कद की अगर बात करते हैं तो कद में ये कैसे होते हैं, आपके सिर अत्यधिक अत्यधिक लंबा होता है, और उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो इनमें क्या है, अनेक और विशेषता भी देखने को मिलती हैं। जैसे इसके बाल होते हैं, बालों के अंदर मैंने बताया कि घुंघरालू बाल होते हैं, और इनकी जो जबड़े और नाक होती है चपटी और चौड़ी होती है, नाक चपटी व चौड़ी होती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। उसके बाद बात करते हैं इनके स्थान की, निग्रो प्रजाति का जो स्थान है वो कहाँ पे देखने को मिलता है, ये प्रजातियां हैं, निग्रो प्रजाति कहाँ देखने को मिलती है, तो निग्रो प्रजाति इसकी अगर विशेषता की बात करते हैं निग्रो प्रजाति में, तो अगर अपन देखें कि ये क्या है, कौन सी प्रजाति के रूप में आपकी निग्रो प्रजाति पश्चिमी अफ्रीका में सूडान गिनी तट न्यू गिनी
गिनी और उसी के साथ साथ आपके दक्षिणी यूरोप एशिया में भी, दक्षिणी यूरोप व एशिया में भी पाए जाते हैं। तो ये क्या है, इनकी विशेषता है कौन सी, निग्रो प्रजाति की। आगे बात करते हैं ऑस्ट्रेलाइट की, तो ऑस्ट्रेलाइट के अंदर सिर लंबा उभरा हुआ होता है। सूचकांक की अगर बात करते हैं तो 72 से 74 कपाल सूचकांक देखने को मिलता है। बाल घुंघरालू, त्वचा का रंग होता है गहरे काले से लेकर कत्थई हल्का पीला होता है। बाल अंडाकार होते हैं, इनके जबड़ा कुछ निकला हुआ होता है। और ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करते हैं तो लगभग संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये प्रजाति है देखने को मिलती है। और उसी के साथ साथ ये ब्राजील, मध्य अफ्रीका और आपके उत्तरी अमेरिका, पूर्वी एशिया, दक्षिणी यूरोप के अंदर भी ये पाए जाते हैं। और कुछ क्या है, पूर्वी एशिया में पूर्वी द्वीप समूह के अंदर भी क्या है, ये सीमित मात्रा के अंदर देखने को मिलते हैं। तीसरी प्रजाति है ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति। रंग काला, गहरे काले से गहरे हल्के काले से कथई व पीले रंग के होते हैं। बाल घुंघरालू व अंडाकार और उसके बाद सिर लंबा व सिर लंबा और उसी के साथ उभरा मिलता है। जबड़ा कुछ निकला हुआ कपाल सूचकांक, कपाल सूचकांक आपका इसके अंदर 72 से 74 और ये कुछ स्थान जैसे ऑस्ट्रेलिया उसी के साथ एशिया के पूर्वी द्वीप समूह है, एशिया के पूर्वी द्वीप समूह है और उसी के साथ साथ आपके मध्य अफ्रीका और ब्राजील, में आदि में देखने को मिलते हैं। तो ये क्या है, ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति की विशेषता है देखने को मिलती है। अगली आती है आपकी भूमध्य सागर। देखो भूमध्य सागरीय प्रजाति की अगर बात करते हैं तो इनका सिर है लंबा, सूचकांक आपका 74 से आपका 77 तक पाया जाता है, नाक है वो अंडाकार, बाल घुंघरालू, जबड़े निकले हुए और उसी के साथ साथ क्या है, ये इन कद में बड़ी छोटी और हड्डियां चेहरे की हड्डीदार चेहरा है वो दिखाई देता है। और इनका जो रंग होता है वो तांबे के कलर का पाया जाता है। इसके अंदर भूमध्य सागरीय की विशेषता है
सेमाइट प्रजाति है वो लंबी और सुंदर है, वो देखने को मिलती है। तो बात कर लेते हैं भूमध्य सागर, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फोर्थ है भूमध्य सागरीय प्रजाति, भूमध्य सागरीय प्रजाति। भूमध्य सागरीय प्रजाति के अंदर आपकी विशेषताएं चल रही हैं। सिर लंबा, कपाल सूचकांक, 74 से 77 तक, बाल कैसे हैं इनके, घुंघरालू व अंडाकार जबड़ा निकला हुआ, बाल घुंघराले व अंडाकार व जबड़ा निकला हुआ, उसी के साथ साथ इनके रंग की अगर बात करते हैं तो ये तांबे के रंग जैसे होते हैं। और स्थान की अगर बात करते हैं स्थान के अंदर तो ये क्या है आपकी यूरोप और अफ्रीका में मिश्रित, यूरोप अफ्रीका में मिश्री और ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। और उसी के साथ साथ इनकी एक और विशेषता है सेमाइट प्रजाति में सुंदर व लंबे लोग मिलते हैं। आपकी कौन सी प्रजाति के लोग, सेमाइट प्रजाति के, और भूमध्य सागरीय प्रजाति है वो मुख्य रूप से देखने को मिलती है। तो सेमाइट प्रजाति है वो लंबे और सुंदर प्रजाति है वो देखने को मिलती है। आगे आती है आपकी नार्डिक प्रजाति की अगर विशेषता की बात करते हैं तो नार्डिक प्रजाति में आपके मध्य लंबाई और चौड़ा सिर होता है। सूचकांक की अगर बात करते हैं तो आपकी 78 से 82 सूचकांक है वो देखने को मिलता है। मध्यम लंबाई व सिर चौड़ा। और उसी के साथ साथ अगली विशेषता अगर देखते हैं तो इनके अंदर आपकी नार्डिक प्रजाति के अंदर अगली विशेषता है आपकी जो सूचकांक है, कपाल सूचकांक 78 से 82 तक मिलते हैं। कपाल सूचकांक की अगर चर्चा करते हैं तो, और इनका जो रंग होता है वो कैसा होता है, हल्के भूरे रंग का गुलाबी रंग होता है, रंग हल्के भूरे से गुलाबी होता है।
तो ये क्या है, नार्डिक प्रजाति की विशेषताएं हैं वो देखने को मिलती है। और इनकी अगर चर्चा करते हैं कि कौन से क्षेत्रों में ये देखने को मिलती है, तो यूरोप के भूमध्य सागरीय किनारों और एशिया, और आपका उसी के साथ आपके इतिहास की अगर चर्चा करते हैं तो आपके अमेरिका वाले क्षेत्र के अंदर भी ये फैली हुई है। तो आपके कौन कौन से क्षेत्र हो गए, एशिया, आपका एशिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का वृहद ऑस्ट्रेलिया। तो बात कर लेते हैं इसकी, आपके देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले तो। हो गया। उसके बाद अगर बात करते हैं तो इसके स्थानों की, स्थान की अगर चर्चा करते हैं तो भूमध्य सागर के किनारे यूरोप के स्थान में, यूरोप के भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय किनारों पर व ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में और उसी के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ यहाँ पे आपका अमेरिका, न्यूजीलैंड, अमेरिका व न्यूजीलैंड में पाई जाती है। ये इनकी क्या है, आपकी नार्डिक प्रजाति की विशेषताएं हैं, देखने को मिलती है। आगे है अल्पाइन जाति, अल्पाइन प्रजाति छठे नंबर की। अल्पाइन प्रजाति की अगर विशेषता देखते हैं तो चौड़े सिर वाली सूचकांक की अगर बात करते हैं, चौड़े सिर, सिर व कपाल सूचकांक 81 से 85 तक, कपाल सूचकांक है वो इसकी विशेषता देखने को मिलती है। और इसके अंदर अगर इनके चेहरे की अगर बात करते हैं तो चेहरा इनका सीधा, और नाक क्या होती है, संकेत बाल सीधे होते हैं, बाल सीधे व नाक, बाल सीधे और नाक क्या होती है, संकीर्ण नाक संकीर्ण होती है। और इनके स्थानों की अगर चर्चा करते हैं तो अल्पाइन प्रजाति की आपकी अगर स्थान देखे जाए तो दोनों अमेरिका और एशिया के कुछ भाग के अंदर मिलते हैं, स्थान उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका एशिया व मध्य यूरोप में क्या है, ये जातियां हैं, पाई जाती है। लास्ट बचती है आपकी मंगोलियन प्रजाति सातवें नंबर की। मंगोलियन प्रजाति, देखो मंगोलियन प्रजाति की अगर चर्चा करते हैं तो मंगोलियन प्रजाति के अंदर आपके सूचकांक की अगर बात करें तो सूचकांक की अगर बात करते हैं तो 85 से 90 देखने को मिलते हैं। और अल्पाइन जो मंगोलियन प्रजाति है
उनके सिर की अगर बात करते हैं तो सिर कैसा होता है, आपका गोल सिर है वो देखने को मिलता है, गोल सिर व कपाल कपाल सूचकांक 85 से 90 तक मिलते हैं। और इनकी विशेषता है बाल सीधे चपटे, चेहरा व जबड़ा नतोदर होता है, बाल सीधे चपटे, चेहरा इनका क्या जबड़ा, चेहरा और जबड़ा होता है। और इसी के साथ साथ अगर इनके नाक की और इनके कलर की बात करते हैं तो हल्के पीला खुमारी रंग का होता है। इनके स्थानों की अगर चर्चा करते हैं तो ये मध्य एशिया के केंद्रीय स्थान के अंदर देखने को मिलते हैं, और भूमध्य सागरीय, अल्पाइन, नार्डिक और मिश्रित जो प्रजातियां हैं वो फैली हुई हैं। इसके अंदर अल्पाइन, नार्डिक और भूमध्य सागरीय प्रजातियां, इनमें नार्डिक नार्डिक भूमध्य सागरीय, अल्पाइन प्रजातियों का मिश्रण मिलता है। तो इस तरीके से अपना ग्रिफिथ टेलर ने अपना जो प्रजातियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया, उन्होंने इसमें 7 प्रजातियां हैं वो मुख्य रूप से बताई, और ये इनकी विशेषताएं हैं वो मुख्य रूप से देखने को मिलती हैं। हर प्रजाति के अंदर क्या है, एक तो आपका बालों की बनावट, त्वचा का रंग है, स्थान है, और कौन सी प्रजाति के अंदर आपकी जो कलर होता है वो थोड़ा अलग पाया जाता है, सूचकांक है, कपाल सूचकांक, इसकी चर्चा है मुख्य रूप से की है। और इस तरीके से क्या है, इन्होंने प्रजातियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया, किसने, ग्रिफिथ टेलर ने, जो इनका आज कंप्लीट हुआ। ठीक है, आगे कल चर्चा करेंगे, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।